दोस्तों आप सबका फेवरेट सीरियल यानी प्रीतम प्यारे और वो के भूतों को इस समय मैंने दिलवालों की दिल्ली में पकड़ लिया और आपको बता दूं इंटरव्यू लेने से पहले भी मुझे डर लग रहा है। आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं नहीं गुस्से में नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का आहार अगर मिल जाएगा भूत रीना और हमें तो मतलब एक आध महीने तो फिर जरूरत नहीं है। चाहते हैं आप वही कि आप बहुत दिल्ली का बहुत ही जो है स्वादिष्ट आहार है तो हम जैसे आप कट करेंगे हम इन्हें खा जाएंगे। तो मैं अपने पूरे परिवार को बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है। तो आपने मुझसे कहा था कि आप इंटरव्यू में मुझे बताएंगे कि पर्सनली आपका भूतों के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो प्लीज थोड़ा सा शेयर करिए। हाँ वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एक पुरुष मिले थे जिनके जिनके पास ऐसी एक विधि थी जिसके हिसाब से वो भूत बुलाते थे और उन्होंने मुझसे एक कागज़ पे 3 प्रश्न लिखवाए थे और उन्होंने हाथ में ऐसे पकड़ के बैठने के लिए बोला था और जब मैंने उसको खोला था तो उसमें सारा जवाब सीधे सीधे अक्षरों में लिखा हुआ था और भूत के सिग्नेचर के साथ। भूत का नाम था मीनाक्षी। वो कागज़ खो गया मेरे घर की शिफ्टिंग के टाइम में लेकिन वो काफ़ी 2-3 साल तक रहा। मैंने कहा कि वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था बट वो प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे हाथ में था काफ़ी समय तक। आप पर्सनली भूतों पे विश्वास करती है? आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? नहीं मेरा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है लेकिन मैं सब टीवी के ही एक शो भूत वाला सीरियल में भी भूतनी बनी थी लेकिन वो मैं कटीली थी उसमें, कटीली नचनिया, और इसमें मैं भूतरीना हूँ, बहुत ही क्लासी भूत। तो हाँ मुझे 2 अलग अलग भूत का कैरेक्टर करने को मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। बात है आप दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मतलब अभी तो हम लोग हंस हंस रहे और डर डर भी रहे, साथ में आगे क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा? आप क्या देखना चाहती हैं? दोनों ही दिख रहा है अभी तो, लेकिन और कुछ इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है दर्शकों को? हर क्या है 4 स्टोरी या मतलब 4 एपिसोड 5 एपिसोड की एक कहानी हो रही है। सो वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग कि रिपीटेटिव ना हो और द थिंग इज कि हम लोग ह्यूमर को पकड़ के चलें और सिचुएशन प्रधान इस पूरे सीरियल को बनाए कि सिचुएशन फनी होना चाहिए, बाकी कैरेक्टर्स अपने हिसाब से सब सीरियस ही हैं। जी लेकिन नया मेरे ख्याल से ये होगा कि हम काफ़ी गेटअप्स करने वाले हैं मैं और दारा कोयला, वो आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेटअप्स है। बात है राजेश जी, हमने पहले आपको कॉमेडी करते हुए देखा है सारा भाई वर्सेस सारा भाई में और भूत की कॉमेडी भी करते हुए देखा है, तो प्रीतम प्यारे और वो सबसे प्रीतम प्यारे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत डर रही हूँ मैं, लेते लेते कुछ भी हो सकता है आज, तो प्रीतम प्यारे और वो मैं सबसे अच्छा क्या एक्सपीरियंस रहा, सबसे अच्छा कोई मोमेंट जो आप हमेशा अपनी लाइफ टाइम याद रखें? नहीं प्रीतम प्यारे और वो मैं मैंने एक तो अपनी इस पूरे अटायर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है एंड आई हैड ट्राई टू मेक इट लिटिल स्टाइलाइज्ड कि सारी चीज़ें हैं, रॉब है, एटीट्यूड है, तो ये सारी चीज़ें जनरली लाइफ में नहीं करता हूँ, तो वो जो नहीं किया है वही सारा कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों को जब ये मेकअप रोज करना पड़ता है कितना टाइम लगता है? बोर हुए अपने इस लुक से कि अपने को मान चुके हैं भूत असली में? मैं मेकअप करती हैं क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस्ड भूत नहीं है। आप खुद अपना मेकअप? जी ये सारा मेकअप ही नहीं, मैंने खुद ही किया है, मुझे तैयार होने के लिए 20 मिनट्स लगता है। अच्छा आप दोनों इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, कोई किसी से इंस्पिरेशन अगर आप कहें कि किसी से इंस्पिरेशन मिली आपको कॉमेडी में? देखिए इंस्पिरेशन सिर्फ राइटर ही दे सकता है, जो अच्छा लिखेगा हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बाकी एक्टर्स जितने भी कॉमेडी के हैं उन सब के लिए काफ़ी रेस्पेक्ट है, उनसे सीखने को यही मिलता है कि जितना आप सरल रखें उतना आप बेहतर रहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि मैं हमेशा मेरे सारे इंटरव्यूज में ये कहती हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित, आई लव डांसिंग, शी इज़ माय आइडल। मैं जितने भी सब टीवी के जितने भी शोज मैंने किए आई डांस्ड और माधुरी दीक्षित जी हैज़ बीन माय आइडल ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी माय आइडल। अब जाते जाते आपको मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने कैरेक्टर्स में आ जाइए और बताइए दर्शकों को कि प्रीतम प्यारे और वो देखना क्यों ज़रूरी है। तारा खुश प्रीतम प्यारे और वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वो हैं जो क्या, सॉरी भूल गया मैं, वो क्या करते हैं चले नहीं मतलब ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग डराते भी और हंसाते भी हैं, इसलिए आपको इस सीरियल में वो जो है वो एक्स फैक्टर है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगी एज भूतरीना
कि आपको दारा कोयला आया 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 दिखेंगे और भुतरीना जो है वो अपेरा गाती है, वो डांस करती है, वो अलग अलग कैरेक्टर्स करती है. तो आप प्लीज़ ये शो देखिए क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे. थैंक यू सो मच न्यूज़ पॉइंट से बात करने के लिए. तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, आप सही बोला है कि रोज़ ये शो देखिए आपको मज़ा आने वाला है. तो हंस हंस के डर डरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए. कैमरा पर्सन नवीन के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट.